सब्सक्राइब कीजिए डबल ए क्रिएशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कनपुरिया भाषा से लोगों के दिलों में अपनी पहचान बना चुके मेक जोक ऑफ, जी हाँ, यानी कि MJO, जिनका एक वीडियो आने के कुछ ही मिनटों बाद उस पर मिलियन व्यूज आ जाते हैं, हजारों सैकड़ों लाखों लाइक्स आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेक जोक ऑफ कौन लोग बनाते हैं, आखिर उनके टीम में कितने लोग हैं और वो कहाँ के हैं, उनकी एज क्या है और वो क्या प्रोफेशन है उनका, जानेंगे इसी के बारे में। तो इन तक आप देखेंगे तो जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं डबल ए क्रिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल ए क्रिएशन मेक्स अ न्यू विजन। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि MJO यानी कि मेक जोक ऑफ के वीडियोस आपने ना देखे हों। जी हाँ, क्योंकि आज ये केवल कानपुर के लोगों के नहीं बल्कि पूरे यूट्यूब में छाए हुए हैं, पूरे भारत में छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी कनपुरिया भाषा से इस चैनल ने आज इतनी अपनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। इस पर कई करोड़ों व्यूज हैं और चैनल पे वीडियो आने के मिनटों बाद ही इस पे जो है मिलियन मिलियन व्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों को यही जानने की अंदर से उत्सुकता रुचि रहती है कि आखिर ये चैनल कुछ चलाते कौन लोग हैं, कौन सी टीम है, आखिर उनके टीम में कौन से लोग हैं। इनका वीडियो, आपको याद होगा कि इनका वीडियो आया था पिछले एक साल में दिवाली के दौरान एक चाचा के पटाखे शीर्षक के साथ, और उस वीडियो से सब लोगों को उनको इतना रिस्पांस मिला, मतलब कि क्या कह नहीं सकते, वो इतना रिस्पांस उस वीडियो में मिला कि वो उनके आज इतने सब्सक्राइबर हो गए, 42-43-45 लाख उनके सब्सक्राइबर होने वाले हैं और इतने व्यूज आते हैं। हालांकि वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आती हैं किन्हीं वजहों से, लेकिन फिर भी चैनल की जो इतनी पॉपुलरिटी यूट्यूब में बनी हुई है, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में काफ़ी जो है बड़ा चैनल यहाँ पर बन के हमारे सामने आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यही कि इस चैनल के जो क्रिएटर हैं वो कौन हैं, कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो जानकारी मैं देने वाला हूँ ये पूरी तरीके से सच है, कोई फेक नहीं होने वाली, क्योंकि आप सोचें कि मैं कुछ ऐसे वैसे आपको बता दूंगा। विथ प्रूफ मैं आपको यहाँ पे जितनी भी जानकारी होगी वो सच सच आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि इस चैनल को कोई टीम है जो चलाती है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि इस चैनल को एक कोई टीम नहीं बल्कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी यानी कि कोई सिंगल एक व्यक्ति ही इसको चलाता है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक स्टोरी है जो कि मेक जोक ऑफ के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई थी कुछ ही दिनों पहले, और इसके आप देख सकते हैं उनके अकाउंट्स पर जाकर भी। और अब आपको आगे बताते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जो एक क्रिएटर है MJO का, आखिर इनकी एज कितनी है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि इनकी एज है 19 साल। जी हाँ दोस्तों, 19 साल। चौंक गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर आप सोचते होंगे कि इतने सारे किरदार उसमें होते हैं और उनकी आवाज़ निकाल पाना एक 19 साल के बच्चे के रूप में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये 19 साल का बच्चा है, ये सच है। और इसके आगे आप आपको बताते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, आपके दिल में भी यही सवाल होगा। तो काफ़ी लोगों ने पहले से आवाज़ से अंदाज़ा लगाया, हो सकता है कि ये कानपुर के हैं। जी हाँ, तो ये जो क्रिएटर हैं वो कानपुर के ही हैं। फिलहाल कानपुर में कहाँ के हैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही इनका जो है कुछ क्लियर होगा कि कौन है, इनका जो फेस रिवील होगा, हम सबसे पहले आपको वीडियो दिखाएंगे, बताएंगे इस बारे में आपको। एनिमेटेड कॉमेडी वीडियोस बना के जो है मेक जोक ऑफ आज इतने पॉपुलर हो गए हैं कि लोग आमतौर पर किसी यूट्यूबर की या कॉमेडी को सिर्फ एक ही बार देखते हैं, लेकिन यहाँ पर MJO के साथ अलग है।
लोग एमजीओ के वीडियोस बार बार देखा करते हैं, तो ऐसे में आपको याद ही होगा, आपको पता होगा कि उनमें काफी जो कई सारे किरदारों की अलग अलग तरीके की आवाजें होती हैं, हंसाने वाली, गुदगुदाने वाली। तो ऐसे में ये आवाजें केवल एक ही व्यक्ति, एक ही लड़का, 19 साल का लड़का का जो कानपुर का रहने वाला है, वो ही निकालता है। और इनके इसके बारे में, एमजीओ के बारे में यदि और कोई सीक्रेट एमजीओ फेस रिवील होगा, तो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल पर दिखाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।